Hello everyone, welcome to English Academy. Today we'll be doing class 12th English Flamingo Book Poem 6, Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. Now this is a very nice and a very different poem. Although it's a short poem, but it has a lot of meaning in it. A lot of poetic devices have been used in it. And hume ek bahut hi acha theme aur ek bahut hi acha message milta hai is poem mein. Basically, this poem is about Aunt Jennifer. Adrian Rich ने एक फीमेल की स्टोरी हमें यहाँ पर बताई है किस तरह से वो डर से भरी हुई है. Her life is full of fear. Her life is full of struggles, ordeals, hardships due to her married life. And she is not happy. She is under constant fear of her husband. And she has to fulfill her marital duties. Despite her wishes, उसे अपनी wishes के against जाना पड़ता है अपनी marital obligations पूरी करने के लिए. और फिर उसकी जो desires हैं, उसकी जो freedom की ख्वाहिश है, वो कैसे depict होती है? Through the embroidery pattern that she is making. उसके embroidery pattern में बहुत ही bright और fearless और इधर उधर दौड़ने वाले, आजादी से घूमने वाले tigers हैं, जो इस आंट जेनिफर की अंदर की फीलिंग्स, उसकी डिजायर्स को, उसकी ख्वाहिशों को डिपिक्ट करते हैं. तो बहुत ही अच्छे से पोएट ने एक कंट्रास्ट दिखाया है बिटवीन आंट जेनिफर्स रियलिटी एंड हर डिजायर, और किस तरह से आंट जेनिफर अपनी डिजायर को अपने एम्ब्रॉयडरी पैटर्न में शो करती है. तो आइए ये इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ते हैं. वी विल रीड द पोएम, आई विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन द पोएम टू यू, एंड देन वी विल आल्सो कवर द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम. एंड अनदर थिंग, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज हिट ऑन द बेल आइकन बिलो दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू इंग्लिश अकेडमी सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट यूजफुल वीडियोज दैट वी अपलोड ऑन द चैनल. सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन. Now the poet says, Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. First of all, let us have a look at the word meanings. Prance means to jump around, to move around with high springy steps. Topaz is a precious stone. यहाँ पर इस टोपाज स्टोन के ब्राइट येलो कलर को रेफर किया जा रहा है. डेनिजन्स मींस रेजिडेंट, किसी जगह के रहने वाले को डेनिजन कहा जाता है. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हियर मींस द फॉरेस्ट, जंगल जो पूरा हरियाली से, हरे भरे पेड़ों से भरा होता है. शिवलरिक मींस टू हैव शिवलरी. शिवलरी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग honest, being kind, especially towards women. Sleek here means elegant, graceful, very smooth. So in this stanza, the poet says, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. So Aunt Jennifer एक panel embroider कर रही है, उसके ऊपर दौड़ते हुए tigers की image वो draw कर रही है. उसके ऊपर दौड़ते हुए tigers की image वो embroider कर रही है. तो वो कहती है कि ये आंट जेनिफर के टाइगर हैं जो कि एक पैनल के ऊपर दौड़ रहे हैं, और वो ब्राइट येलो कलर के हैं, और उनके पीछे एक हरे रंग का पूरा जंगल है. तो कैसी सीनरी वो एम्ब्रॉयडर कर रही है? पूरा डेंस फॉरेस्ट है ग्रीन कलर का, और उसमें ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स हैं जो इधर उधर दौड़ रहे हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. तो अगर जंगल में कोई शिकारी भी आ जाता है तो ये जो शेर हैं, ये फियरलेस हैं, ये उन शिकारियों से डरते नहीं हैं. ये जो फियर वो उनमें नहीं है, दिस शोज द इनर फीलिंग ऑफ आंट जेनिफर. वो भी फियरलेस जिंदगी जीना चाहती है. दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी. पेस मीन्स टू वॉक, टू मूव अराउंड. तो वो बहुत ही स्लीक और एलिगेंट टाइगर्स हैं जो कि बहुत ही शिविलरस भी हैं, यानी कि काइंड हैं, जेनरस हैं, ऑनेस्ट हैं, और वो इस तरह से बहुत ही ग्रेसफुली मूव कर रहे हैं. तो यानी कि वो जो एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न बना रही है उसमें इन टाइगर्स की मूवमेंट इस तरह की है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टैंजा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा. राइम स्कीम इज ए ए बी बी.
यानी कि स्क्रीन और ग्रीन राइम कर रहे हैं, दीज आर ए ए, ट्री एंड सर्टेनिटी आर राइमिंग, दिस इज बी बी, सो द राइम स्कीम इज ए ए बी बी. नाउ ब्राइट टोपाज, दिस इज अ मेटाफर. मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ टू थिंग्स. यहां पर टोपाज स्टोन के येलो कलर को इन टाइगर्स के येलो कलर के साथ कंपेयर किया जा रहा है. सो द कलर ऑफ द टोपाज इज कंपेयर टू द कलर ऑफ द टाइगर. This is a metaphor. Then we also get to see anaphora. Anaphora is जब two consecutive lines एक ही word से start हो रही है, same word से start हो रही है. यहाँ पे देखिए line 3 and 4 दोनों they word से शुरू हो रही है. This is the device of anaphora. Now in the next stanza the poet says Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Fluttering means kaampna, shake karna, ghabra kar. Ivory is derived from the tusk of an elephant. Ivory is a substance. It is white in color. Uske saath needles bhi banai jati hain. To yahan par ye jo embroidery needle hai, ye ivory ki bani hui hai. जैसे यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, ओल्डन टाइम्स में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी नीडल्स यूज की जाती थी. वेडिंग बैंड हियर मींस द एंगेजमेंट रिंग. नाउ इन दीज लाइंस द पोएट सेज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल. वुल इज द थ्रेड दैट शी इज यूजिंग टू मेक द एम्ब्रॉयडरी. तो कह रही है कि आंट जेनिफर जब ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उनकी उंगलियां कांप रही हैं. उनकी उंगलियां क्यों कांप रही हैं ये हमें डायरेक्टली तो नहीं बताया गया, बट वी कैन से प्रोबेबली शी इज फियरफुल ऑफ हर हस्बैंड. मे बी हर हस्बैंड डज नॉट अलाउ हर टू मेक सच एम्ब्रॉयडरीज, दिस इज हर हॉबी, एंड वाइल डूइंग एम्ब्रॉयडरी हर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग बिकॉज शी फियर्स हर हस्बैंड. उन्हें अपने हस्बैंड से डर लगता है और इसी वजह से ये जो आइवरी की नीडल है जिसे वो पुल कर रही है एम्ब्रॉयडरी करते वक्त, वो खींचनी भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है. Hard to pull means difficult. ये काम भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, एम्ब्रॉयडरी करना बहुत मुश्किल हो गया है because उनकी उंगलियां कांप रही हैं डर के मारे. The massive weight of uncle's wedding band, यानी कि अंकल ने जो उन्हें वेडिंग के समय अंगूठी पहनाई थी वो आंट जेनिफर के लिए बहुत भारी है. Massive means huge, बहुत बड़ा. अब यहां पर एक्चुअली ये वेडिंग रिंग भारी नहीं है, उसके वजन की बात नहीं हो रही, लेकिन शादी के साथ जो आंट जेनिफर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, मैरिटल ऑब्लिगेशंस आई, जो ड्यूटीज उन्हें परफॉर्म करनी पड़ती हैं शादी में होने की वजह से अपने हस्बैंड के लिए, वो सारी ड्यूटीज का जो वजन है, उनका जो भार है, वो आंट जेनिफर के दिमाग पर बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई द पोएट सेज इट सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो अंगूठी बहुत भारी है जो उन्होंने पहनी हुई है, बट अंगूठी के साथ जो शादी की ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो बहुत ज्यादा है आंट जेनिफर के लिए और उनके वजन तले वो दबी हुई हैं. एज अ सिंबल हम ये कहना चाहते हैं कि मैरिज की जो ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं, वो आंट जेनिफर के लिए बहुत ज्यादा है. उनकी वजह से, उनके भार की वजह से वो दबी हुई है और वो आजादी से, आराम से जिंदगी जी नहीं पा रही है. Now let us check out the poetic devices used in this stanza. इस stanza की rhyme scheme भी same है. A, A, B, B. Wool and pull are rhyming, band and hand are rhyming. Next we get to see alliteration in this stanza. Alliteration is the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. Fingers fluttering. Both these words are starting with first sound. This is alliteration. Then we get to see hyperbole. Hyperbole क्या होता है? Exaggeration. जब यहाँ पर poet कहती है the massive weight of uncle's wedding band, यानी कि वो कह रही है कि अंगूठी जो wedding ring है वो बहुत ज्यादा भारी है. Actually ऐसा नहीं होता. She is exaggerating. Why is she exaggerating? Because she wants to lay emphasis on this that शादी करने के बाद aunt Jennifer के ऊपर इतनी सारी merit duties का भार पड़ गया है कि वो उठाना, उसे संभाल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है. सो दिस इज द डिवाइस ऑफ हाइपरबोल. देन अनदर डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन.
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं. जब पोएट कहती है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. सिट्स, द एक्शन ऑफ सिटिंग इज डन बाय ह्यूमंस, बाय लिविंग ऑब्जेक्ट. सो यहां पर एक रिंग बैठी हुई है उसके हाथ पर, दिस इज पर्सोनिफिकेशन. देन वी गेट टू सी मेनी इंस्टेंसेज ऑफ विजुअल इमेजरी, मीन्स हम इमेजिन कर सकते हैं सीन, जैसे कि फिंगर्स फ्लटरिंग, मीन्स आंट जेनिफर के हाथ कांप रहे हैं. हम ये चीज इमेजिन कर सकते हैं, हम ऐसा सीन इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग पर कि आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं, वो अपनी आइवरी की नीडल को पुल नहीं कर पा रही हैं और उनके हाथों पर एक एंगेजमेंट रिंग है जिसकी वजह से उनकी हाथ कांप रहे हैं, वो बहुत सारी मैरिड ड्यूटीज में दबी हुई हैं. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टैंजा, लेट्स मूव अहेड. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ, रिंग्ड हेयर मीन्स किसी चीज के आसपास आपने किसी आपको किसी चीज ने घेर लिया है, सो यू आर रिंग्ड. ऑर्डील्स मीन्स डिफिकल्ट टाइम्स, टफ टाइम्स, हार्डशिप्स इन लाइफ. नाउ हियर द पोएट सेज, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट जेनिफर मर जाएगी, उसके डर से भरे हुए हाथ स्टिल होंगे, वो एक ही जगह पर लेटी हुई होगी, लेकिन उसके हाथ पर वो एंगेजमेंट रिंग तब भी होगी, यानी कि मैरिज की जो ड्यूटीज हैं, जो हार्डशिप्स हैं, वो उसके डेथ के साथ भी खत्म नहीं होंगी. उसके मरने पर भी उसके हाथ पर वो वेडिंग रिंग रहेगी और उसकी लाइफ उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगी. तो कहती है कि उस पूरी जिंदगी तो उसके पति ने उसको मास्टर किया, उसके हस्बैंड ने उसे ऑर्डर्स दिए और पूरी जिंदगी वो उन्हें निभाती रही और बेचारी इन्हीं सब कामों के बोझ में दबी रही, लेकिन मरने के बाद भी उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी. एंड ऑन द अदर हैंड, जो टाइगर्स उसने एम्ब्रॉयडर किए हैं इस पैनल के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर, वो उस इसी तरह से इधर उधर दौड़ते रहेंगे, प्राउडली और अनअफ्रेड. ये दो फीचर्स हैं जो आंट जेनिफर में नहीं है, लेकिन उसकी इनर डिजायर है कि वो प्राउडली जी सके, बिना किसी डर के जी सके और आजादी से जी सके. यही दो उसके जो क्वालिटीज हैं वो उसके टाइगर्स में हैं और वो इसी तरह से इधर उधर दौड़ते रहेंगे उसके एम्ब्रॉयडरी पैनल में. जबकि आंट जेनिफर मर भी जाएगी, वो अपनी इन ऑर्डील से निकल नहीं पाएगी. मैरिज की जो ऑर्डील्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं, वो उसकी डेथ के साथ भी उसके साथ चली जाएंगी. जबकि ये टाइगर्स जो उसने एम्ब्रॉयडर किए हैं, वो इसी तरह से प्राउड और अनअफ्रेड दौड़ते रहेंगे. नाउ लेट अस सी द पोएटिक डिवाइसेस. इसका राइम स्कीम भी वही है, ए ए बी बी, लाई बाय राइम कर रहे हैं, मेड एंड अनअफ्रेड राइम कर रहे हैं. अब इस पैराग्राफ में हमें एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है. पैराडॉक्स इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. पहली दो लाइंस में तो आंट की सिचुएशन बताई गई है कि वो जब मर जाएगी तो भी उसके हाथ वैसे ही टेरिफाइड रहेंगे और वो लाइफ की ऑर्डील्स और हार्डशिप्स में बंधी रहेगी. और ऑन द अदर हैंड एक ऑपोजिट चीज है टाइगर्स की, जो आजादी से इधर उधर दौड़ते रहेंगे उस एम्ब्रॉयडरी पैनल में जो आंट ने एम्ब्रॉयडर किया है. सो दिस इज अ पैराडॉक्स. Then there is a lot of imagery in this stanza also. यहाँ पर भी देखिए, हम उसके terrified hands को imagine कर सकते हैं और हम ये भी imagine कर सकते हैं कि वो मरी हुई है, पड़ी हुई है, लेकिन वो उसके हाथ पर engagement ring भी है और अभी भी वो free नहीं है, वो अपनी marriage की बंधनों में बंधी हुई है. और हम ये भी imagine कर सकते हैं कि उसने जो embroidery panel पर tigers embroider किए हैं, वो दिखने में बहुत सुंदर हैं और fearlessly उस जंगल में दौड़ रहे हैं. और यहाँ पर रिंग्ड विद ऑर्डील्स में हमें एक पन देखने को मिलता है. व्हाट इज पन? जब आप किसी वर्ड का डबल मीनिंग यूज करते हैं, यहाँ पर उसने हाथ पर जो रिंग पहनी हुई है, उस रिंग वर्ड को यहाँ पर क्या मीनिंग इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है कि वो एक चारों तरफ से किसी बंधन में घिरी हुई है, बंधी हुई है. शी इज रिंग्ड. उसके आसपास एक घेरा बना हुआ है, वो एक रिंग में फंसी हुई है. वो रिंग किस चीज का है? उसकी मैरिज का और उसकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस का, उसकी ड्यूटीज जो उसके ऊपर डल गई हैं ड्यू टू द मैरिज विद हर हस्बैंड. देन अनदर डिवाइस यूज्ड हियर इज
sinek dosh. Sinek dosh is that when you refer to a part of something, but that part indicates the whole. Jaise yahan par terrified hands. Now actually, sirf haathon ko terrified kaha gaya hai, lekin actually kya hai? Puri aunt Jennifer terrified hai, puri aunt Jennifer dari hui hai. To uske haath, uske puri body ko indicate kar rahe hai, uske puri person ko indicate kar rahe hai. This is the device of sinek dosh. Students, if you have confusion in poetic devices, we have a separate video where we have discussed all the poetic devices in detail. So I will add the link of that video in the description box. वहां से आप poetic devices को thoroughly prepare कर सकते हैं. So as far as this poem is concerned, we are done with the poem. We have read the poem. I have explained the difficult word meanings. I have explained the poem and the poetic devices that have been used. And if you like this video, please hit on the like button and also give comments. And if you have any query, you can ask us in the comments and we'll try and reply to you. So let us sum up in this poem. We come to know about the woman's struggles in her married life and how fearful she is and she cannot live a free life. And how she shows, how she displays her feelings through the embroidery panels that she is making. That is a wonderful way of showing someone's feelings that Adrienne Rich has used. I hope you enjoyed this session. Thank you for being with me. And with this, this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.